भारत वंदना राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कविता है और ये निराला की बहुत प्रसिद्ध रचना है जो कि इनके काव्य संग्रह गीतिका में संग्रहित है। भारत वंदना में कवि ने राष्ट्रीय चेतना के भावों को मुखरित किया है। इस कविता के ऊपर बातचीत करने के पूर्व हम कवि के बारे में जानेंगे। महाप्राण निराला, जिनका पूरा नाम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला छायावादी कविता के आधार स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण कवि है। हिंदी साहित्य के छायावादी, विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 1899 में महिषादल राज्य बंगाल में हुआ। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में बंगला में और अंग्रेजी में हुई। ये उच्च वर्ग की संस्कृति में पले बड़े। इनके जीवन पर रामकृष्ण और विवेकानंद का गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी पत्नी की मृत्यु हुई जिसका इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसी घटना ने इन्हें दार्शनिक चिंतन की ओर प्रवृत्त किया। इसी के फलस्वरूप इनके काव्य में वेदांत और करुणा दोनों के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं पर रामानुज, अरविंद, रविंद्र और तुलसी के दर्शन का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। निराला के काव्य में प्रकृति के बिंब हैं, नाना रूपात्मक चित्रण है। संसार की विषमता, शोषण और अत्याचार, इन्होंने निराला को बहुत गहरे प्रभावित किया और यही करुणा उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। ये अपनी कविताओं के माध्यम से विद्रोह का शंखनाद करते हैं। इनकी पुत्री का निधन हो गया था जिनकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति लंबी कविता लिखी। इनका नाम निराला सार्थक इसीलिए हुआ कि ये अपने ढंग के निराले कवि हैं। सबसे पहले निराला ने गीतों के साथ मुक्त छंद का प्रयोग किया। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से इनके काव्य में पौरुष और ओज दोनों दिखाई देते हैं। इनकी लंबी प्रसिद्ध कविताएं जो हैं, वो राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के माध्यम से इन्होंने अपने ही जीवन की कथा कही है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, कविश्री, सांध्य काकली, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, अलका, निरुपमा और अप्सरा। एक उपन्यास इनका प्रभावती है, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इस प्रकार के इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। कहानियां भी लिखी हैं, लिली, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार, देवी आदि। रेखाचित्र भी इनके बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जिनमें कुल्ली भाट, बल्लेसुर बकरिया प्रसिद्ध हुए। अन्य प्रबंध संग्रह भी इनके हैं जिनमें प्रबंध प्रतिभा और चयन प्रसिद्ध हुए। समीक्षात्मक रचनाएं भी निराला की मिलती हैं, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव चाबुक। ये युग प्रेरक महाप्राण निराला थे, हिंदी के गौरव थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय गौरव और विश्व मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। ऐसे महाप्राण निराला की प्रसिद्ध कविता भारत वंदना, इसका केंद्रीय भाव हम जानेंगे। केंद्रीय भाव राष्ट्र पर आधारित है और राष्ट्र की अभ्यर्थना कर रहे हैं। इस कविता में निराला ने भारत माता के पारंपरिक नारी रूप को देवी सरस्वती के रूप में देखा है और देवी सरस्वती के रूप में उन्होंने सांगोपांग चित्रण किया है।
भाषा संस्कृत मिश्र और तत्सम शब्दावली है, भाषा में ओज है, भाषा प्रवाहशील है और गीतात्मकता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इनकी कविता गेय है। भारत भूमि का विशाल स्वरूप, या ये कहना चाहिए कि भारत का जो वैभवशाली रूप है और जो प्राकृतिक संपदा है, उसको उन्होंने एक नारी रूप दिया है और नारी रूप भी पूज्य वाग्देवी सरस्वती के रूप में, और प्राकृतिक सौंदर्य को रूपक के माध्यम से बुद्धि की देवी सरस्वती के स्त्री रूप में सजीव किया है। हिमालय पर्वत, गंगा नदी और तपस्वियों की साधना, आध्यात्म का मूल, ओंकार की ध्वनि, इन सबको राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया है। और समय की मांग भी थी कि निराला इस कविता के माध्यम से जन जन का आह्वान करते, और यही उन्होंने किया भी है। राष्ट्रीय चेतना के स्वर इनकी कविता में देखे जा सकते हैं। यह कविता इसीलिए अधिक प्रसिद्ध हुई कि इसके माध्यम से जो देवी सरस्वती का रूप साकार किया गया है वो नयनाभिराम है। भारतीय जन जन के कंठ से भारत माता की स्तुति के स्वर गूंज रहे हैं और वही ओंकार की ध्वनि है और यही भारतीय आध्यात्म का मूल स्वर है। भारत जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जितोर्मि सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, तरु तृण वन लता वसन, अंचल मेख चित सुमन, गंगा ज्योतिर जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शत मुख शत रव मुखरे, भारती जय विजय करे। भारत भूमि के पावन रूप को देवी सरस्वती के नारी रूप में चित्रित किया गया है और महाप्राण निराला भारत माता की स्तुति इस प्रकार करते हैं कि हे सरस्वती देवी, जय विजय करे, अर्थात हमारी जय हो, हम विजय प्राप्त करें। देवी सरस्वती के वरदान से ही भारत को सुख और संपदा प्राप्त होगी। जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, इसका भारत माता के रूप में, जो भारत माता को हम स्त्री रूप में देखते हैं, कवियों ने उनका जो चित्रण किया है भारत माता के नारी रूप में किया है। भारत की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की वन संपदा, यहाँ का वैभव, इन सब को एक नारी रूप में चित्रित करना कवियों का प्रिय कार्य रहा है और कवियों ने हमेशा भारत माता के रूप में, एक स्त्री के रूप में उनकी अभ्यर्थना की है और यहाँ निराला भारत माता को देवी सरस्वती के रूप में देख रहे हैं। भारती जय, यानी भारती सरस्वती देवी की जय हो, जो कि हमें, हमारी बुद्धि को, विवेक को प्रदीप्त करती है और हमें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कराती है। ऐसी वाग्देवी सरस्वती जिसके हाथों में नई धान या नई सुनहली बालियां, देवी के हाथ में कमल रहता है और कमल के रूप में वो बालियां सुशोभित हैं। कनक शस्य कमल धरे, शस्य यानी सुनहली बालियां, नई धान जो होती है, नई बालियां, तो स्वर्ण, कनक स्वर्ण की तरह, स्वर्ण के रूप में स्वर्णिम कमल धारण किए हुए वाग्देवी सरस्वती, उनकी जय हो, जो हमें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कराए। लंका पद तल शत दल, भारत भूमि के नीचे के स्थान में लंका स्थित है। जब हम नक्शा देखते हैं तो पता लगता है कि लंका नीचे है और यहाँ कल्पना कवि की देखिए कि लंका पद तल शत दल, देवी स्वर्ण कमल में विराजमान है और ये कमल कैसा है, सैकड़ों पंखुड़ियों वाला। लंका पद तल शत दल, पैरों के नीचे, देवी के पैरों के नीचे लंका रूपी स्वर्ण कमल जो कि सैकड़ों पंखुड़ियों वाला है वो विराजमान है और उस कमल में देवी सरस्वती विराजमान है।
गर्जित तोर्मी सागर जल, गर्जित उर्मी, गर्जित उर्मी, उर्मी यानी लहरें, और गर्जना कर रहा है सागर, गर्जना कर रहा है लहरों की जो आवाज आती है। गर्जित तोर्मी सागर जल, सागर जल जो लहरें बड़ी जोर से उछलती हैं तो उनमें एक ध्वनि पैदा होती है, एक संगीतात्मक ध्वनि पैदा होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन पावन चरणों को पखार रही है विशाल सागर जल की गरजती हुई लहरें। कवि यह कहना चाहता है कि देवी सरस्वती के जैसे वो चरण पखार रहा है। जब हम देवी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किसी देवता की आराधना करते हैं, तो हम उनके सबसे पहले चरणों को धोते हैं, चरण पखारते हैं। गर्जित तोर्मी सागर जल, तो सागर भी किसी भक्त की तरह अपने जल से, अपनी लहरों के माध्यम से, गर्जना करती हुई लहरों के माध्यम से, यानी कुछ स्तुतियां हम बोलते हैं तो उस प्रकार से समुद्र भी जैसे कुछ स्तुति करते हुए अपने लहरों के माध्यम से इस देवी की चरण वंदना कर रहा है, चरणों को पखार रहा है। धोता शुचि चरण युगल, यानी चरण युगल, युगल यानी दोनों पैरों को, शुचि यानी पवित्रता, तो पवित्र चरणों को समुद्र धो रहा है, इस प्रकार से अपनी भक्ति भावना जैसे प्रकट कर रहा है। स्तव कर बहु अर्थ भरे, और स्तव स्तुति कर रहा है। ये गर्जना जो है उसमें जो संगीतात्मकता है, जो ध्वनि है, वही सागर रूपी भक्त की स्तुति है, स्तुति गान है। क्योंकि जब भी किसी पूज्य की, किसी देवता की जब हम पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसके चरण पखारते हैं, और चरण पखारते हुए कुछ स्तुतियां गाते हैं, कुछ वंदना करते हैं, तो ये समुद्र भी जैसे स्तुति कर रहा है। बड़ी सुंदर कल्पना है, लहरों की जो ध्वनि है, संगीतात्मक ध्वनि से जैसे सागर रूपी भक्त अपनी आराध्य देवी सरस्वती की आराधना कर रहा है, अर्चना कर रहा है, भक्ति कर रहा है। अगले पद में प्रकृति का सुंदर स्वरूप है, जिसकी बड़ी सुंदर कल्पना की गई है बड़े रूपक के माध्यम से। तरु तृण वन लता वसन, इस देवी ने जो सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, देवी वैसे तो सरस्वती शुभ्र श्वेत वसना है और श्वेत वस्त्र पहनती हैं, वस्त्र धारण करती हैं। ये देवी कैसी है जो कि बड़े सुंदर चित्रकारी किए हुए वस्त्र पहने हुए हैं। ये हमारी भौगोलिक स्थिति देखिए आप, उसको कभी किस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं कि तरु तृण, तरु यानी वृक्ष, तृण पत्ते जिनके नाना रूप हैं, वन लता वसन, तरु यानी सुंदर पेड़, तृण सुंदर अनेक बहुरंगी पत्ते, जो सुंदर सुंदर वन है, क्योंकि भारत भूमि पर इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं जिनका शायद भारतवासियों को भी पता नहीं होगा। तरु तृण वन लता वसन, तो तरु तृण और सुंदर वन और उनमें खिली हुई पुष्पित पल्लवित लता ही देवी सरस्वती के सुंदर वस्त्र हैं। और ये सुंदर वस्त्र कैसे हैं कि जिस पर और सुंदर जो कल्पना की गई है अगली पंक्ति में, अंचल में खचित सुमन, जो आंचल है देवी सरस्वती का, जो आंचल है उसमें बेलबूटे बने हुए हैं। खचित सुमन यानी जो सुंदर वस्त्र होते हैं उन पर जो चित्र उकेरे गए हैं, सुंदर सुंदर जो चित्र उकेरे हैं, फूल बने हुए हैं, तो जो प्रकृति में जितने सुंदर नाना रूपों के फूल खिले हुए हैं, इतने सुंदर अनेक रंगी बहुरंगी जो फूल हैं, जो पुष्पित हैं, पल्लवित हैं, वही जैसे देवी सरस्वती के आंचल में उकेरे गए बेल बूटे हैं, उन बेल बूटों से उनका आंचल और अधिक दिव्य और भव्य प्रतीत होता है। गंगा ज्योतिर जल कण धवल धार हार गले, कवि की कल्पना बड़ी सुंदर है। गंगा ज्योतिर जल कण, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और हिमालय पर्वत पर गंगा नदी जो निकलती है, जिस तरह से वो गंगा की धारा दिखाई देती है, गंगा के वो आलोकित ज्योति कण
जो तुषार से या जम जाते हैं और जो उड़ते हैं उनमें जब सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं तो जिस प्रकार से वो आलोक से दिव्य आभा प्राप्त करते हैं उसका चित्रण यहाँ किया गया है कि गंगा ज्योतिर जल कण, गंगा के जो आलोकित जल कण है वही इस देवी सरस्वती के गले का सुंदर शुभ्र दिव्य आभा वाला हार है। धवल धार हार गले, गंगा की जो शुभ्र धारा है, गंगा की जो सफेद दिव्य आभा से आलोकित जो धारा है वही इस देवी सरस्वती के गले में पहना हुआ हार है, मोतियों का हार। ये मोतियों की कल्पना जो की गई है कि जल कण जो जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो जैसे नन्हे नन्हे शुभ्र मोती हैं जिनका हार देवी सरस्वती ने गले में धारण किया हुआ है। अब देवी ने मुकुट भी धारण किया है तो मुकुट शुभ्र हिम तुषार, हिमालय पर्वत। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय हमारा रक्षक है, प्रहरी है, और कवि की कल्पना यहाँ ये है कि भारत माता के माथे का हिमालय मुकुट है। मुकुट शुभ्र, शुभ्र यानी सफेद, और सफेद ही नहीं वो दिव्य सफेदी, पावन सफेदी, उज्जवलता। हिम तुषार जो बर्फ से ढके हुआ पहाड़ है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो सरस्वती के माथे का मुकुट है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार, और हिमालय पर्वत ऐसा कहा जाता है कि साधकों की साधना स्थली है और वहां जगह जगह शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ पर अलग अलग साधु तपस्वी साधक साधनाएं करते हैं और लगातार वहां ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है, और यह ओंकार की ध्वनि ही भारतीय दर्शन है, भारतीय आध्यात्म है। निराला ने यहाँ प्रकृति, राष्ट्र, माता और आध्यात्म और दर्शन सभी की एक साथ वंदना की है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार, ये ओंकार की जो ध्वनि है ये प्राण तत्व है, भारतीय आध्यात्म का, भारतीय दर्शन का प्राण तत्व है ये ओंकार है। ऐसा माना जाता है कि ओम की ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि ओम की ध्वनि अगर समूचे विश्व में एक साथ उच्चरित की जाए तो भयंकर विस्फोट हो सकता है, समूचा ब्रह्मांड हिल सकता है, नष्ट भी हो सकता है। तो ये हमारे भारतीय दर्शन का आधार है, प्राण तत्व है, ये हमारा मूलाधार है। ओम प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार, इस ओम के ध्वनि से दशों दिशाएं गूंज रही हैं, ये ओंकार की ध्वनि समूचे विश्व को अपने प्रभाव में ले रही है, और यह ओंकार की ध्वनि क्या है, यही ओंकार की ध्वनि ये साधकों की भी स्तुतिगान है, ये साधकों की भी ध्वनि है, और यही भारत के जन जन के कंठ से निकली हुई भारत माता की जय की ध्वनि है, जो कि शत मुख शत रव मुख रे, यानी सैकड़ों मुखों से सैकड़ों रूप में परिणत होकर, यानी एक एक वाणी सैकड़ों रूप में गुंजायमान होकर ध्वनित होकर दसों दिशाओं को गुंजा रही है, मुखरित हो रही है। इस प्रकार से निराला ने भारत वंदना के माध्यम से राष्ट्र की वंदना की है, एक स्त्री रूप में की है, सबसे बड़ी बात है माता के रूप में उसकी अभ्यर्थना की है। भारत हमारा भारत देश जो है वो स्त्री रूप में चित्रित किया गया है, यहाँ की वन संपदा, यहाँ की भौतिक भौगोलिक स्थिति, भौतिक संपदा, यहाँ का सुंदर सुंदर इनके दृश्य, और ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि भारत समूची भारत माता ही बाघ देवी सरस्वती का प्रतिरूप है, और बाघ देवी सरस्वती जो है पावनता का, शुचिता का प्रतीक है। वो हमारे मन को क्लेशों से दूर ले जाती है, हमें बुद्धि की, अच्छी बुद्धि के लिए प्रेरित करती है, विवेक की ओर प्रवृत्त करती है, और यही भावना राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाती है, राष्ट्र को सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करती है। तो निराला ने इस कविता के माध्यम से यही इंगित किया है कि भारत माता राष्ट्र की जो भावना है वो मनुष्य को सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करती है, और यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी देश का कल्याण होता है, देश प्रगति के निरंतर नए सोपानों पर निरंतर अग्रसर होता रहता है।
भाषा शैली निराला की जैसी कि हमेशा विद्यार्थी जानते ही हैं कि निराला की संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तत्सम शब्दावली है, पूरी कविता में सामासिक शैली है। सागर जल, तरुतरण, वनलता, हिमतुषार, शतमुख, शतदल, भारत का भौगोलिक स्वरूप प्रकृति का मानवीकरण है। यानी समूचे भारत को स्त्री रूप में एक मनुष्य यानी देवी के रूप में देखा गया, तो प्रकृति का मानवीकरण है। भारत माता का पारंपरिक स्त्री रूप तो है ही, उसे स्त्री के रूप में समूचे एक सुंदर स्त्री के रूप में और वो जो पूज्य भाव पैदा करती है ऐसी स्त्री के रूप में सांगोपांग वर्णन किया गया है, इसलिए रूपक के साथ सांग रूपक है, तो मानवीकरण और सांग रूपक अलंकार है। और पूरे राष्ट्रीय गीत में ध्वन्यात्मकता है, गीत है ये, जैसे लंका पद तल शतदल, इसमें पद मैत्री है, गीतात्मकता तो है, इसको गाया जा सकता है राग रागनियों में। भाषा में चित्रात्मकता है, हमारे सामने एक कल्पना में साकार होती है एक स्त्री जो कि देवी है, पवित्रता की मूर्ति है, जो हमारे शुभ भावों का प्रस्फुटन करती है और हमारे नेत्रों के समक्ष देवी सरस्वती जैसे साकार हो उठती है। संधि है गर्जित उर्मी, गर्जित उर्मी स्वर संधि है, ज्योतिर्जल विसर्ग संधि है। इसमें पूरे गीत में राष्ट्रभक्ति है, प्रकृति की वंदना है, भारतीय संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, आध्यात्म है और राष्ट्रभक्ति का सुंदर चित्रण है। तो इस प्रकार से भारत वंदना करते हुए निराला राष्ट्र भक्तों से और जन जन से आह्वान करते हैं कि हम अपने देश की इसी प्रकार से अभ्यर्थना करें, पूजा करें और यही पूजा का भाव देश को उन्नति के पथ पर ले जाता है।